गुड मॉर्निंग, मैं हुसिया नैनीताल उत्तराखंड से, और आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे बहुत अच्छी धूप खिली है जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये पहाड़, अभी मैंने एक ब्लॉग डाला था पहले, उसमें ये पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अभी देखिए कितने खूबसूरत ये पहाड़ पीछे दिखाई दे रहे हैं। आज धूप खिली है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2-3 बजे के बाद फिर से कोहरा लग जा रहा है काफ़ी, और ठंडा हो जा रहा है ज़्यादा शाम को, ना धूप चली जा रही है। धूप तो अभी 12 बजे तक चली जाएगी, अभी बज रहे हैं 8:30, 12-11 बजे तक धूप चली जाएगी, और 3 बजे के बाद से फिर कोहरा वगैरह, ये पहाड़ वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगे, ये जितने पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ जंगल से होते हुए एक क्रिकेट प्लेग्राउंड में। ये देखिए रास्ता, और मैं दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। शौक बड़ी चीज़ है, तो जो बॉयज़ हैं क्रिकेट खेलते हैं पहाड़ों पे, और किस तरह से यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं और कितना डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पहाड़ों पे खेलना, क्योंकि बॉल वगैरह नीचे चली जाती है, तो क्रिकेट खेलना कम होता है, दौड़ते रहो बॉल लेने के लिए। ये देखिए जंगल में होके हम जाएंगे क्रिकेट ग्राउंड। जैसे कि आपको आवाज़ आ भी रही होगी, लोग हंस भी रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। देखिए सामने स्कूटर वगैरह खड़ा हुआ है। और जस्ट जहाँ ये स्कूटर हैं उसी के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड है। गाइस जा रहे हैं ऊपर की तरफ क्रिकेट ग्राउंड देखने, पहाड़ों पे क्रिकेट ग्राउंड कैसे होते हैं। ये देखिए एक ये जगह है, देखिए ऐसे छोटी छोटी जगहें निकल आती हैं प्लेन, उसी में खेलना होता है। लेकिन क्या होता है कि बॉल अगर चली जाए नीचे, तो देखिए नीचे जाए तो नीचे ही चली जाती है वो। तो यहाँ पहाड़ों पे क्रिकेट खेलने का मतलब डबल मेहनत। क्रिकेट तो आप खेल ही रहे हैं, साथ में बॉल जब इधर उधर चली जाती है नीचे, तो वहीं जाना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है ना, बॉल गुम हो गई तो लेट इट गो कर देते हैं, जाने दो, कौन इतना ढूंढेगा, एक्सट्रीम चली जाती है, झाड़ियों वाड़ियों में दिखते भी नहीं है। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं क्रिकेट ग्राउंड, मेन जो जाली वाली लगा के रखा हुआ है कि आराम से खेल सकें। वो देखिए वो रहा सामने, ये देखिए। तो अभी खेल रहे थे खिलाड़ी यहाँ पे, वो चले गए। ये देखिए यहाँ छोड़ गए एक बॉल। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ एक क्रिकेट ग्राउंड में जो कि पहाड़ों पे है, और ये देखिए मेरे आसपास देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये पिच है, ये देखिए ये भी बहुत मुश्किल से बनाई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लाइक माइंडेड नहीं होते ना क्रिकेट खेलने के, खासकर ऐसी पहाड़ों पे ऐसे जंगल में। तो पिच बनाई गई है, और मेरे पीछे देखिए जंगल, यहाँ खिलाड़ी अभी खेल रहे थे, अब वो चले गए। मैंने दिखाया था आपको, स्कूटर वगैरह भी खड़े थे। एक्चुअली मैं क्या है, जंगल चली गई थी लकड़ी बीनने,
तो इतने में मतलब आधा पौना घंटा हो गया है, वापस आई हूँ तो खिलाड़ी चले गए हैं और अभी फिर से ये सुनसान हो गया है। आवाज़ भी देखिए कैसे झिंगुर की आ रही है। ये जाली लगाई गई है ताकि बॉल एकदम से खेलते हुए बाहर ना गिर जाए और बार बार जाके बॉल ले जाने का झंझट ना हो। लेकिन स्टिल क्या होता है, जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं, चौके छक्के मारते हैं, वो तो ये ऊपर से निकल आती है बॉल और फिर कहीं जाके जंगल में गुम हो जाती है। ये देखिए विकेट्स, ऑल्दो आई एम नॉट ए क्रिकेट फैन, मुझे क्रिकेट खेलना थोड़ा बहुत पसंद है और देख भी लेती हूँ। आईपीएल मुझे बहुत पसंद नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि विराट कोहली के अपोजिट जो और अच्छे खिलाड़ी हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली के अपोजिट ही केएल राहुल खेल रहे हैं और ये सब। वर्ल्ड कप अच्छा लगता है, वन वन कंट्री रिप्रेजेंट करती है अपने देश को और दूसरे के साथ कंपीट करती है, पर कंट्री के अंदर ही एक खिलाड़ी अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के साथ कंपीट कर रहा है आईपीएल में, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं आईपीएल नहीं देखती हूँ, वर्ल्ड कप हाँ मैं ज़रूर देखती हूँ। ये देखिए ये देखिए, ये जाली इसलिए लगाई गई है कि बॉल नीचे ना जाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिपर्ड के लिए कि लिपर्ड ना एंटर कर पाए। लेकिन लिपर्ड इतना अच्छा क्लाइंबर होता है, वो भी इन जालियों से कहाँ रुकेगा, इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ वो लांग जाता है। और ये जाली क्या है देखिए पीछे, कहा आपने पहाड़ों पे क्रिकेट ग्राउंड्स कैसे होते हैं, और ये तो और अच्छे से मतलब डेवलप किया गया है और अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है, जाली वाली लगा के प्रॉपर इसमें पिच बनाई गई है। बाकी और जहाँ मतलब यहाँ एडल्ट्स भी खेलते हैं बड़े बड़े, और जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो भी यहाँ आके खेलते हैं, तभी इसको डेवलप भी किया गया है। लेकिन और कहीं जहाँ बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं उनके लिए सब ये सब कहाँ होता है, ऐसी छोटी सी जगह ढूंढते हैं, छोटा सा प्लेग्राउंड वगैरह, और वहीं प्लास्टिक के बल्ले से बॉल से और खेलते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया है आपको, ये तो फिर ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा बना हुआ है। बाकी माहौल आपको ऐसा ही मिलेगा, ये देखिए जंगल चारों तरफ। तो अभी वापस चलते हैं, व्यू मुझे जाते हुए अच्छा दिखाई दिया तो मैंने कहा क्यों नहीं आपको भी दिखाया जाए। ये देखिए मेरे पीछे, वहाँ से मैं आई, वो देखिए सामने क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे आई हूँ मैं, एक छोटा सा रास्ता मैंने पकड़ लिया था, ये देखिए कच्चा रास्ता छोटा सा, और यहाँ पे मैं आ गई। ये देखिए सारे जले सूखे पेड़, बट ये भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़, ये देखिए घाटी, अभी सुबह के 9 o'clock हुए हैं।
ये देखा आपने, है खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है सच में। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए मेरे, ये बस पैर ही, दोनों पैर ऐसे जोड़ के आ पा रहे हैं, ये इतना पतला रास्ता, ये देखिए। और ये अय्या, इतनी उसमें मतलब स्टीप है इतना, ये नीचे जाते हुए ऐसे घुटनों पे जोर पड़ता है। नीचे आते हुए स्पीड बढ़ जाती है एकदम, बहुत ऐसे नीचे जल्दी से, इतना स्पीड से आते हैं नीचे, ओ बाप रे। पत्थरों, सॉरी पत्थर नहीं, पर्वतों से आज मैं टकरा गई, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गई। गाइस, पर्वतों से आज मैं टकरा गई, तुमने दी आवाज और मैं आ गई। देखिए वहां से आई मैं, वहां से एकदम से ऐसे स्पीड आई यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हम टकरा गए। अच्छा किया पर्वतों से टकरा के मैं जल्दी यहाँ पे आ गई, क्योंकि मेरे पीछे आ रहा है एक बहुत ही मोटा बंदर, दिखा आपको, तो इसलिए मैंने स्पीड पकड़ी और मैं जल्दी से आ गई। बहुत ही मोटा बंदर पीछे, और ये भी वाइल्ड हैं, काट भी लेते हैं।